वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आज भी हमारे पास पांच वन वर्ड्स हैं, 181st से लेकर के 185th तक, पूरे पांच। आज पहला वर्ड में है इनसोलुबल। प्रोनाउंसिएशन ऊपर देख सकते हैं, इनसोलुबल। टू सिलेबल का वर्ड है, पहले इन पढ़ेंगे फिर सोलुबल पढ़ेंगे। हिंदी है अविलय। दूसरा है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदी है अशोध्य। तीसरा आइडलर, हिंदी है आलसी। फिर माइजर कंजूस। फिर साइमल टैनियसली, साइमल टैनियसली इसको बोलते हैं, समक्षणिक या एक साथ। तो ये पांच वर्ड्स हैं, इनमें महत्वपूर्ण है इनकोरिजिबल, साइमल्टेनियसली और बाकी भी आएंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इनसोलुबल, जैसा कि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सोलुबल मतलब विलेय होता है। सोलुबल का मतलब विलेय, इन का नहीं बोल रहा हूँ, सोलुबल का। विलेय होता है जो घुलने योग्य होता है किसी भी पदार्थ में। जैसे अगर हम वाटर और साल्ट ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि वाटर में साल्ट घुल जाता है, तो साल्ट सोलुबल है वाटर में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सोलुबल कहेंगे, विलेय कहेंगे, साल्ट विलेय है। लेकिन इन सोलुबल मतलब अविलेय, जो नहीं घुलता है। अब वाटर के साथ अगर हम कोई, अगर हम सैंड ले लें, तो हम कहेंगे कि सैंड वाटर में नहीं घुलता है, तो कहेंगे सैंड इनसोलुबल है, तो अविलेय है। तो सोलुबल इनसोलुबल समझ गए हैं हिंदी में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड। इनकैपेबल मतलब असमर्थ, ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब घुलना होता है, घुलने में असमर्थ। जो ये वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हिंदी है, घुलने में असमर्थ, तो जो घुलने में असमर्थ होता है उसे कहते हैं इनसोलुबल अविलेय। पहला वर्ड क्लियर। दूसरा अशोध्य हिंदी है, अशोध्य मतलब जिसे, जिसका शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अशोध्य। शोध्य मतलब जिसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे मैं सपोज स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो फिर वहां पे काट के लिख सकता हूँ, उसको बोलते हैं शोध्य, सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ जहाँ पे सुधार बिल्कुल ही नहीं कर सकते, जैसे पीडीएफ होता और यहाँ पे रिफॉर्म का स्पेलिंग मान लेते हैं गलत होता, मुझे कुछ और करना पड़ता, तो पीडीएफ में सुधार नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हम अशोध्य इनकोरिजिबल। फिर से देखिए, शोध्य मतलब कोरिजिबल, कोरिजिबल मतलब जिसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार करने योग्य। अशोध्य मतलब इनकोरिजिबल। तो यहाँ पे इन लगाकर सोलुबल का ऑपोजिट इनसोलुबल कर दिया है, इधर भी इन लगाकर कोरिजिबल का ऑपोजिट इनकोरिजिबल कर दिया है। हिंदी है अशोध्य, जिसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, बियॉन्ड करेक्शन सुधार से परे, करेक्शन मतलब सुधार होता है, करेक्शन मतलब सुधार, तो सुधार से परे। बियॉन्ड का आप जानते हैं प्रीपोजिशन में, इसकी हिंदी होती है से परे, सुधार से परे। रिफॉर्म का मतलब ही सुधार, तो सुधार से परे जो होता है उसे बोलते हैं इनकोरिजिबल या अशोध्य। फिर है, पहला हो चुका इनसोलुबल हो गया, फिर इनकोरिजिबल हो गया। नाउ आइडलर, आइडलर पढ़ते हैं, जितना ही वर्ड का है उतना ही वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी इसका है, आई डी एल ई आर, यहाँ पे पांच, ये भी है आइडलर। हिंदी आलसी, आलसी तो बहुत अच्छा समझते हैं, इंग्लिश में इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो इंग्लिश इसका मेन होता है आइडल, आई डी एल ई, आइडल मतलब होता है आलसी, आइडलर मतलब भी आलसी, जो आलस को अपने बस में किए रहता है, आलस का शिकार हुए रहता है, उससे आलसी कहेंगे। हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं, किसी को आलसी होना ही नहीं चाहिए। वन हु डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, वह जो doesn't want, नहीं चाहता है, do any work, किसी काम को करना, वह जो किसी काम को करना ही नहीं चाहता, क्या कहेंगे उनको, आलसी कहेंगे ना, idler कहेंगे। फिर miser कंजूस, miser आप जानते हैं कहानी में बहुत पढ़ाया कि so and so was miser, miser का मतलब होता है कंजूस। कंजूस किसे कहते हैं, कंजूस कहते हैं one who saves money, वह जो पैसा बचाता है, by starving oneself, खुद को भूखा रह करके, खुद को भूखा रह करके पैसा बचाता है, उसे कहते हैं माइजर। पैसा बचाना माइजरी नहीं है,
लेकिन भूखा रहकर पैसा बचाना मायजरी जरूर है। तो कहते हैं वह जो खुद को भूखा रह करके पैसा बचाता है बोलते हैं माइजर कंजूस। अब नाउ द लास्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन स्पोकन एवरीवेयर, जहां भी आप पढ़ते लिखते हैं इंग्लिश ये आता ही आता है, साइमल्टेनियसली समक्षणिक एक साथ, जैसा कि और हिंदी से स्पष्ट है एक साथ चाहे समक्षणिक मतलब एक साथ, ये भी यही हिंदी होती है साइमल्टेनियसली। देखिए पढ़ते कैसे हैं, साइमल एल तक एक बार में, टी ए को दूसरी बार में, और नियसली को आप तीसरी बार में पढ़ लीजिए, साइमल्टेनियसली स्पष्ट लिखा हुआ है। होता क्या, जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ लोग लिख भी रहे होंगे साथ में, तो देखना और लिखना एक साथ जो कर रहे हैं आप उसे कहेंगे साइमल्टेनियसली। कुछ लोग दूसरा काम कर रहे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इससे भी कहेंगे साइमल्टेनियसली। इसका ये मतलब है कि अगर हम एक से अधिक काम एक साथ करते हैं तो कहते हैं कि साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होना कहलाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का स्पेलिंग याद रखेंगे, साइमल्टेनी नी एन ई ओ यू एस एल वाई, यहाँ पे लास्ट में जो है सिलेबल इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहीं पे होता है, मिस स्पेल्ड पे पूछता है ये, नियसली एन ई ओ यू एस एल वाई, ठीक है। तो इस तरह से साइमल्टेनियस भी पूछता है एग्जाम में, एल वाई हटा देगा तो ठीक है, उतना ही साइमल्टेनियस का भी मतलब यही होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब भी यही होता है, बस एडवर्ब बना दिया है इसको। एनीवेज इनसोल्युबल पहला वर्ड हुआ, अविलय इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व, इनकोरिजिबल दूसरा, अशोध्य बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, आइडलर आलसी वन हु डजंट वांट टू डू एनी वर्क, माइजर कंजूस वन हु सेव्स मनी फॉर बाय स्टार्विंग वन सेल्फ, साइमल्टेनियसली समक्षणिक एक साथ, हैपनिंग एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।